जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना मरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं जीका गली में और जीका गली से लोअर टोपा की साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं, रोड स्टक हुई है और ब्लॉक हुई हैं गाड़ियां टोटल, तो एक वीलॉग बना के आप लोग के लिए अपलोड करूंगा अपना मरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बर्फबारी इस वक्त शदीद लगी हुई है और नेक्स्ट 24 आवर की जो फोरकास्ट है वो बहुत स्नोफॉल है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल है। यहाँ पे इस वक्त तक जो एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ, तकरीबन 2 फुट की बर्फ पड़ चुकी है। इसी तरह कुलडन्ना साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं मरी माल की तरफ से टोटल स्टक हैं। चिका गली चौक बाजार टोटल स्टक हुआ हुआ है, कोई चांस नहीं है यहाँ से कि ट्रैफिक खुल सके। पिछले तकरीबन 2 घंटे से ब्लॉक है, जुमा प्रेयर जो हमने ऑफर की और उसके बाद से ये ब्लॉक हुई है गाड़ियाँ, 2 बजे से ब्लॉक है टोटल। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपना मरी को, देखते रहिए अपना मरी। मैं यहाँ से मैं जाऊँगा टूवर्ड्स गड़ियाल कैंप और रास्ते में जाते हुए आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता जाऊँगा और फिर इस वीडियो के साथ उनको अपलोड करूंगा, तो सारे रास्ते के हालात इस व्लॉग के अंदर आप देखेंगे। तो अब ये जो है मैं जीका गली बाजार से निकल रहा हूँ, तकरीबन बाजार के दूसरे कॉर्नर पे जो पीसी बूरबन वाली साइड है उसका कॉर्नर है ये। यहाँ पे भी ट्रैफिक स्टक हुई है, गाड़ियाँ कुछ स्लिप होके आगे पीछे हो गई हैं, कोई मोड़ने की कोशिश में है। आप आने दे, इसकी अच्छी जगह क्यों है? अब ये बाजार से काफ़ी आगे निकल आया हूँ मैं और गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि स्लिप करती हैं रोड के ऊपर, क्योंकि बर्फ़ भी पड़ी हुई है, साथ शाम का टाइम हो गया है, इसको तकरीबन मगरिब के आसपास का टाइम है और स्किड करती हैं। बर्फ़ जो है जो ज़मीन के ऊपर बर्फ़ है वो इस वक्त सख्त हो गई है, कोरा जिसको हम यहाँ पर लोकली कोरा कहते हैं, कोरा बन गई है। और कोरा मीन जिस तरह फ्रीजर के अंदर आपकी बर्फ़ होती है वो वाली बर्फ़ है, उस पर गाड़ी टायर स्लिप करता है, इसीलिए इसको चैन लगी होनी चाहिए ताकि इस बर्फ़ के ऊपर ये स्किड ना करे। लेकिन लंबी लाइनें लगी हुई हैं और देखते हैं आगे चल रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा बात करना मुश्किल भी होती है क्योंकि बर्फ़ है, आगे से बर्फ़ भी मुँह के ऊपर पड़ रही है, तो फ़ोन को मैंने थोड़ा प्रोटेक्ट करना होता है, तो मुश्किल है। तो साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ क्या माहौल है, क्या हालात हैं। हेलो
ये जो है इस वक्त में अपने जो कसर बगला ग्राउंड जिसको हम कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड, जो कि मार्को पोलो रिजॉर्ट्स भी हैं, उनकी हॉर्स राइडिंग की भी जगह है, इसीलिए हॉर्स बार बाहर बनाया हुआ है। और ग्राउंड की पोजीशन आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड टोटल वाइट हुआ हुआ है, तकरीबन ग्राउंड के अंदर अगर जाके मैं इसके बर्फ़ को जो मैंने अंदाज़ा लगाया है वो तकरीबन ये 3 फुट से ऊपर की बर्फ़ है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि प्लेन जगह है तो वहाँ पे आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बर्फ़ हुई है ये। और ये जगह जो है यहाँ पर गाड़ी जो भी अगर फंस गई तो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नमक वगैरह फेंका है, यहाँ पर गाड़ी आई है मशीन जो जिसने रोड साफ़ किया है, तो उसकी वजह से गाड़ियाँ ऊपर तो चढ़ गई हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई गाड़ी स्टक हो गई है, फंस गई है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए ऊपर चढ़ना। ये जो है ये कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो स्टक हुई हुई हैं, थोड़ा सा यहाँ से इस टीम की चढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है, उधर मुश्किल में पड़ी हुई हैं कुछ काम के साथ गाड़ियाँ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, तो साथ लेके जा रही है, एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो है मैं घड़ियाल कैंप, जहाँ से मैं अपने लेफ्ट राइट के ऊपर नीचे की तरफ अपने गांव की तरफ मुड़ जाऊँगा, और गांव की रोड जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया, वहाँ पे बर्फ़ के अंदर आपने पैदल चलना है। पैदल वॉक जो है अगर आप नॉर्मली करते हैं तो वो तो बहुत आसान होती है, लेकिन बर्फ़ के अंदर वॉक बहुत मुश्किल होती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपना मेरी ख्याल रखिएगा, अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ें, ये लाइफ, ये एक एडवेंचरल लाइफ है, ये चीज़ें देख सकें। अल्लाह हाफिज़।